गाइस जब मैं शार्क टैंक देख रहा था इसमें ये एग्रीकल्चर बिजनेस है। सो लास्ट ईयर की हमारी सेल्स थी 20 करोड़। वेल डन। और इस साल की हमारी अब तक की 6 मंथ्स की सेल हो चुकी है 13 करोड़, जबकि सेकेंड हाफ तो उन्होंने अपनी सेल बताई 20 करोड़, 13 करोड़ और वैल्यूएशन मांगी 100 करोड़ की। तो सब लोग खुश हो गए कि भाई बहुत बढ़िया, क्या सेल करी है। और उसके बाद देखना, वो देना चाहूंगी 50 लाख इन इक्विटी फॉर 1% इक्विटी। तो मैं आपको वैल्यू कर रही हूँ 50 करोड़ एंड 50% डेट एट 10% इंटरेस्ट रेट। क्या उधार उधार उन्होंने 1 करोड़ 1% मांगा था, मतलब 100 करोड़ की वैल्यूएशन। और नमिता ने दिया 50 लाख 1%, 50 करोड़ की वैल्यूएशन, जो कि अच्छा खासा ऑफर है शार्क टैंक पे। ये तब जब प्रॉफिट सुना, अब देखना। और जब इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए बर्न करा है अपने एक साल में फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो उसका मतलब ये है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी ये देखे बिना कि प्रॉफिट में है लॉस में है, जल्दी से इन्वेस्ट कर दिया। और अब पता चला कि कंपनी लॉस मेकिंग